is the best person of the world. Salesman is the successor of the world. Salesman is the person who write his salary check by on. ये सेलमैन दुनिया का वाहिद शख्स है जो कामयाब तरीन शख्स है, अपनी सैलरी खुद साइन करता है। ये वह वाहिद शख्स है जो अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। दुनिया के किसी शख्स के पास अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने का चांस नहीं है। सिर्फ एक शख्स है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक शख्स, वो है सेलमैन, जिसके पास ये चांस है, अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास ये एटमॉस्फेयर है कि वो अपनी दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एफर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक सेलमैन क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? एक सेलमैन इंपॉर्टेंट क्यों है? इन चीजों के ऊपर हम आज देखेंगे जी कि सेलमैन हमें, हर शख्स को अपने अंदर सेल्स क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए। कैसे होगी? हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो अल्लाह ताला ने हम में हर चीज इंडल्ज की हुई है, सिर्फ हमने पॉलिश करनी है। इससे पहले कि ये तमाम चीजें हम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, सेलमैन, सेल्समैन, इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करें, सेल्स को लैदा कर लें, मैन को लैदा। हर वो शख्स जो बेचता है, क्या बेचता है भाई? सर्विसेज बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपने आप को बेचता है। कोई भी शख्स जो आपको कुछ भी बेच रहा है, सर्विसेज सेल करे, प्रोडक्ट सेल करे, या आपको कोई अपने आप को बेचे, वो सेलमैन है। अब हम देखते हैं जी कि सेलमैन क्यों जरूरी है किसी भी फील्ड में। कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विसेज हो, या कुछ भी चीज सेल करनी हो, अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, अपने आप को फेम देना है, या दुनिया में खिदमत करनी है, कोई भी शोभा हो, सेलमैन बहुत जरूरी है। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी है, उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्समैन का मतलब है कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर। कोई एजेंसी ले लें, कोई आप अपना ले लें उसका, कोई इदारा ले लें, कोई आप उसका ले लें, कोई पॉलिटिक्स का इदारा ले लें, कोई अपना रिलीजियस इदारा ले लें, कुछ भी ले लें यार, आपको उसमें सेलमैन की जरूरत है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक सक्सेसफुल सेलमैन क्या होता है। एक सक्सेसफुल सेलमैन, सक्सेसफुल सेलमैन की चंद खसूसियत है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने क्लाइंट के और मालिक के दरमियान एक जबरदस्त स्किल्स होती है। वो जब कस्टमर से बात करता है तो ऐसे लगता है, कस्टमर फील करता है कि यार ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड, वो यार इस बंदे से तो मुझे चीज लेनी चाहिए, ये तो मेरा भला कर रहा है। इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके सेलमैन जो एक्सीलेंट सेलमैन है वो पोलाइट होता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करता है कि अगला शख्स कहता है कि यार मुझे इससे बात करके मजा आ रहा है, इससे चीज लू या ना लू, इससे बात करूं, इंफॉर्मेशन लू, इसकी बात तो सुन लू। और याद रखें, जब कोई किसी की बात सुनता है, उसको, हर शख्स को चीजों की जरूरत है, हर शख्स ने चीजें खरीदनी है, और वो जब अच्छे बंदे से बात करता है तो वो चीज खरीदता है, वो सेल करता है। एक सेलमैन जो होता है, एक्सीलेंट सेलमैन, वो हेल्पफुल होता है। नंबर वन पे कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, नंबर टू पे पोलाइट होता है, नंबर थ्री के ऊपर वो हेल्पफुल होता है, अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का हेल्पफुल होता है, जो चीज उसको मदद चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। नंबर फोर पे हमारे पास आएगा जी कि उसको नॉलेज होता है, प्रोडक्ट नॉलेज होता है, वो फुली नॉलेज्ड होता है कि यार मैंने जो चीज सेल करनी है इसका मुझे क्या फायदा है, जो चीज अगला क्लाइंट मांग रहा है उसको क्या फायदा है। यानी क्लाइंट का फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को ये चीज रियलाइज करवा देते हैं कि यार इसमें तुम्हारा फायदा है, तो वो क्लाइंट उसको परचेज करता है, उसके पास पैसे हो या ना हो, जब उसको पता चल गया कि दिस प्रोडक्ट इज माई नीड, तो वो उसको परचेज करता है। और इसी तरह जब परचेजिंग होती है तो वो लाइन, वो जो होता है सेलमैन, वो सक्सेसफुल सेलमैन, वो कामयाब होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल सेलमैन बने, अगर आप चाहते हैं कामयाबी हासिल करें,
फेम हासिल करें, इज्जत शोहरत पैसा कमाएं, एक कामयाब शख्स बने, तो आप याद रखें आपने इन चीजों को अपने अंदर बिल्ड करना है। एक रिस्पॉन्सिबल सेलमैन बनना है, एक जबरदस्त सेलमैन स्किल्स उसकी हासिल करनी है।